जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। आई वेलकम यू ऑल इन माय सोशल साइंस क्लास। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन रशिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशियन एम्पायर पे क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड एज आई डू ऑलवेज, आई विल जस्ट ब्रीफ द प्रीवियस लेक्चर। In the previous video, we had studied together the First World War and Russia. We had seen that how did domestic changes occurred in Russia. हमने देखा था कि किस तरीके से रशिया में domestic changes, यानी रशिया में खुद रशिया के अंदर क्या क्या changes आते हैं. Initially, people supported the Tsar, but later they opposed him because of his policy and defeat on the Eastern Front. Last video में हमने देखा था कि कैसे ज़ार को तो शुरू में initially the people were supporting, शुरू में support करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो oppose करना शुरू करते हैं और refuse करते हैं ज़ार को आगे support करने से। क्यों? क्योंकि उसकी policy ही ऐसी थी। उन्होंने देखा कि कैसे ईस्टर्न फ्रंट पे इतनी कैजुअल्टीज़ हो रही थी, इतने सैनिक लगातार मारे जा रहे थे, है ना, और जर्मनी की जो आर्मी थी वो कैसे हावी होती जा रही थी, तो ईस्टर्न फ्रंट पे कैसे लॉस होता जा रहा था रशिया का, ये सब लोग देख रहे थे, है ना। तो हमने देखा था कि क्या उनका डोमेस्टिक अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। नाउ वी विल सी दैट व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशियन एम्पायर। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, कभी कभी आपसे डिटेल क्वेश्चन में ये पूछता भी है, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशियन एम्पायर या ऑन रशिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीडिंग टू लार्ज कैजुअल्टीज। There were 7 million casualties by 1917. First World War में बहुत ज़्यादा casualties, बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए रशिया के, ठीक है, और 1917 तक आते आते, 14 से लेकर के 1917 तक आते आते 7 million casualties हुई, यानी रशिया के 7 million आर्मी के लोग मारे गए। सोच लीजिए कितना बिग लॉस था। However, the war was fought till 1914 to 1918, but Russian army withdrew themselves from the war in 1917. हालांकि ये वॉर 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, लेकिन 17 में ही रशिया की जो आर्मी थी उसने हैंड्सअप कर दिया कि नहीं, अब हम आगे और कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस वॉर में हम नहीं इन्वॉल्व होंगे। क्यों? बिकॉज देयर वेर लॉट्स ऑफ कैजुअल्टीज and the revolution of February 1917 will be occurred, which we'll discuss later in detail. दो रीज़न थे क्यों 1917 में रशिया ने क्विट कर दिया, क्योंकि एक तो रीज़न था इतना बड़ा बिग लॉस कैजुअल्टीज़ का होना, दूसरा 1917 का जो फेब्रवरी रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में अभी बात भी करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन वॉज दैट मोनार्की अबॉलिस्ट। ये जो फेब्रवरी रेवोल्यूशन हुआ 17 में, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मोनार्की अबॉलिस्ट, यानी राजशाही जो थी वो खत्म हो गई, और द न्यू सिस्टम केम देयर हु डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन वॉर। और मोनार्की खत्म होने के बाद जो नए लोग आए, नई नीतियाँ लेकर के आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, हम वॉर में आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि 14 से 17 तक, 14 से कैसे 16 तक वहाँ बहुत कैजुअल्टीज़ होती है, और 17 तक कैसे वहाँ की आर्मी जो है रशिया की बाद में क्विट कर देती है आते आते 17। नेक्स्ट है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स बाय रशियन आर्मी लीड टू ओवर 3 million रिफ्यूजीज इन रशिया। अब ये कैसे और इसका रीज़न क्या था, वाई? देखिए, एज द आर्मी ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अप्रोच रशिया एंड एंटर्ड इन रशिया, रशियन आर्मी रिट्रीटेड। रिट्रीटेड मतलब होता है पीछे हटना। देखिए, जैसे जैसे जर्मनी की और ऑस्ट्रिया की जो आर्मी थी वो रशिया पे अप्रोच कर रही थी, उनका अप्रोच क्या था, रशिया में जब वो एंट्री कर रहे थे तो रशिया की सेना जो है वो पीछे भागती चली जा रही थी, है ना। रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था, वो पीछे हटते जा रहे थे, और रशिया के जो लोग आर्मी जो थी वो रिट्रीट करती जा रही थी, पीछे जाती जा रही थी, और जर्मनी जो है वो अंदर आती जा रही थी। फिर क्या कर रहे थे, एंड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ देयर ओन। रशियन आर्मी अपनी
फसल को, अपनी बिल्डिंग्स को खुद नष्ट करती जा रही थी। जैसे जैसे वो पीछे जा रही थी वो ऐसा खुद कर रही थी। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, क्या कारण है, आखिर ये लोग बेवकूफ़ तो थे नहीं कि अपनी फसल को, अपनी बिल्डिंग्स को खुद नुकसान पहुंचाते हुए पीछे हट रहे थे। एक तो हार भी रहे थे, ऊपर से खुद नुकसान भी पहुंचा रहे थे। तो इसका रीज़न था, द क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ देयर ओन दे वेयर डिस्ट्रॉइंग सो दैट द एनिमी कुडंट सर्वाइव ऑन द लैंड, दे कुडंट फाइट फूड एंड प्लेस टू लीव। ऐसा इसलिए वो कर रहे थे ताकि उनको रहने के लिए कोई जगह ना मिले और खाने के लिए कोई फूड ना मिले। ओपन लैंड रहेगा तो वो छिप नहीं पाएंगे। बट द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन, यानी करीब करीब 30 लाख के लगभग रिफ्यूजीज जो हो गए वो रशिया में आ गए। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। मतलब क्या है, जो जगह खाली कराई जा रही थी रशिया में, वहाँ के लोग रिफ्यूजीज बन गए। मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह खाली कराई गई, वहाँ के लोग क्या हो गए, वो तो रिफ्यूजी बन गए। उनका तो घर बार सब खत्म हो गया, उनके घर मकान नष्ट हो गए। ठीक है, तो 30 लाख रिफ्यूजीज का एक बर्डन आ गया रशिया पे। ठीक है, अब देखिए, सोल्जर्स डिडंट विश टू फाइट सच वॉर। देखिए, डिमोरलाइजेशन हो जाता है सोल्जर्स का, सिपाहियों का, वो हतोत्साहित हो जाते हैं। पीपल डिडंट लाइक देयर किंग एंड वॉज टोटली अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट, और क्या कह सकते हैं कि ज़ार से वो बिल्कुल खुश नहीं थे, सरकार से अपने बिल्कुल खुश नहीं थे, है ना। नाउ सीइंग सो मच लॉस एंड कैजुअल्टीज द सोल्जर्स डिडंट विश टू बी द पार्ट ऑफ दिस वॉर। आगे सिपाही युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कहा जब हमारा इतना लॉस हो रहा है, हमारे इतने लोग मारे जा रहे हैं, हमारी बिल्डिंग्स और क्रॉप्स सब कुछ खत्म होता जा रहा है, तो हम युद्ध में पार्टिसिपेट करें क्यों, है ना, हमारे ऊपर इतनी रिफ्यूजीज का बर्डन ऑलरेडी है। तो ये सारे इम्पैक्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। फिर है, द वॉर ऑल्सो हैड अ सेवेयर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, बहुत बुरा असर पड़ा था इंडस्ट्री पर भी युद्ध का। द इंटरनल कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन रशिया वॉज नॉट गुड, एक तो पहले से ही इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं थी, और जो थी भी उसकी कंडीशन भी इंटरनल यानी अंदरूनी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। रीज़न क्या था इसके पीछे, बहुत बड़ा रीज़न था, द रीज़न बिहाइंड दैट वॉज, ये जो वाई लिखा है ना, इसका आंसर आपको नेक्स्ट पॉइंट में मिल रहा है। जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी, है ना, क्योंकि बाल्टिक सी पे जर्मन का कंट्रोल था, एंड रशिया वॉज कट ऑफ फ्रॉम सप्लाइज leading to industrial equipments disintegration, impact was severe in Russia, है ना। क्या रीज़न था इसका, अब इसको आराम से मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, पहले इसको समझिए, जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। देखिए, जर्मनी ब्लॉकेट ऑफ बाल्टिक सी, जर्मनी क्या कर देता है, बाल्टिक सी पे पूरी तरीके से अपना ब्लॉकेट कर लेता है, कंट्रोल, कब्जा कर लेता है, so that the food supply or other industrial equipment supply to Russia became impossible. इसलिए रशिया को जो अदर कंट्रीज से जो आता था, फूड आइटम्स आते थे, फूड स्टफ्स आते थे, या फिर इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स जो आती थी, उसकी सप्लाई बंद हो गई, क्योंकि वहाँ तो जर्मनी कब्जा करके बैठ गया। एंड इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ यूरोप, अगर आप देखोगे बाल्टिक सी को यूरोप के मैप में, यू विल फाइंड दैट द रूट फ्रॉम बाल्टिक सी टू रशिया हैड बिन स्टॉप्ड बाई जर्मनी इन दोज डेज, so that Russia was cut off from supplies in the comparison of other European countries and the condition of Russian industry become worst. बार बार मैं कह रही हूँ कि रशिया में ज़्यादा लॉस हुआ, कारण क्या था बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की कंपेरिजन में, क्योंकि रशिया जो था वो एकदम कट ऑफ हो गया जब बाल्टिक सी से उसका कनेक्शन टूट गया, तो है ना, उसको कोई सप्लाई नहीं पहुँच पा रही थी, कोई फूड आइटम्स नहीं पहुँच पा रहे थे, उसकी कैजुअल्टीज इतनी ज़्यादा ऑलरेडी हो रखी थी, है ना। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़े, ये सारा रीज़न था कि रशियन इंडस्ट्री जो थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। फिर है, एबल बॉडीड मेन वेयर कॉल्ड अप टू वॉर एंड लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वेयर सेंट टू फीड आर्मी। ये कैसे, इसको समझते हैं हम। देखिए, दोज हु वर एबल टू वर्क फिजिकली हैड टू ज्वाइन द आर्मी विच लेड द शॉर्टेज ऑफ लेबर। जब वो लोग जो हट्टे कट्टे नौजवान थे, जो फिजिकली फिट थे, उनको युद्ध में लड़ने के लिए बुला लिया गया, सोल्जर बना दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि जब सब यंगस्टर जो हैं वो युद्ध में चले जाएंगे, आर्मी में चले जाएंगे, तो खेतों में काम कौन करेगा, ओल्ड एज के लोग या फिर महिलाएं या फिर बच्चे। तो क्या हुआ, एक और कंडीशन, एक और प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई वहाँ पर, शॉर्टेज ऑफ लेबर की। ठीक है,
लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टफ्स या फिर फूड आइटम्स वॉज सप्लाई टू द आर्मी सो दैट द कॉमन पीपल फेल्ट हार्डशिप. वहाँ पे आर्मी वालों एक तो लेबर की कमी हो गई और जो फूड स्टफ हो भी रहे थे उसको सप्लाई क्या कर दी जा रही थी, ज़्यादातर लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड आर्मी. यहाँ लिखा हुआ है आप देखो, मतलब खाने का सारा आइटम जो है मैक्सिमम हिस्सा जो है उसका वो आर्मी वालों को सप्लाई कर दिया जा रहा था, सोल्जर्स को जो कि युद्ध लड़ रहे थे. ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, ब्रेड एंड बटर बिकेम स्कैर लीडिंग टू रायॉट्स एट ब्रेड शॉप फ्रीक्वेंटली. देखिए देर वर शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर द कॉमन पीपल, ऑलरेडी जो कॉमन लोग थे आर्मी के लोगों को सारा खाना चला जा रहा था तो कॉमन लोगों को तो खाना मिल नहीं रहा था, है ना. और रायॉट्स कैन बी सीन नेचुरली, रायॉट्स कैन बी सीन नॉर्मली एट द बेकरी शॉप. फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने कई बार कहा रोटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो लोग बेकरी यानी ब्रेड पर, बहुत वैरायटी की ब्रेड वहाँ मिलती हैं बड़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस, तो उन पे वो डिपेंड करते हैं. उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी डेली लाइफ का ब्रेड है. ठीक है, तो जब बेकरी ब्रेड की ही शॉप पे तालाबंदी हो जाएगी और जो भी आइटम है वहाँ के वो सब सैनिकों को जाएंगे तो कॉमन लोगों को क्या मिलेगा, है ना. दूसरा क्या था, स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वेयर शट डाउन. अब देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज हैड बीन क्लोज्ड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर. एक तो शॉर्टेज ऑफ लेबर था इसलिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो पहले ही बंद हो गई थी. द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हैपन, रिजल्ट क्या हुआ, इंडस्ट्रीज का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी इंडस्ट्री पूरी तरीके से धीरे धीरे टूटने लगी, बिखर गई. द कंडीशन ऑफ रशियन इकॉनमी बिकम वर्स एंड नाउ वील रिकॉल, मतलब यहाँ तक अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रशियन इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो वर्स होती जाती है ना. स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वेयर शट डाउन, छोटी छोटी दुकानें बंद हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाता है शॉर्टेज ऑफ लेबर के कारण, और इस तरीके से रशियन इकोनॉमी पूरी तरीके से बुरी कंडीशन में पहुँच जाती है. तो ये था इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशियन एम्पायर, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया. ठीक है, अब मैं आगे अब और ज़्यादा आपको ना बताते हुए पहले मैंने जितना पढ़ाया ना उसको एक बार रिकॉल कर देती हूँ. ठीक है, नाउ वी विल रिकॉल वट एवर वी हैव स्टडीड टुगेदर टुडे. देखिए हुआ क्या था, सबसे पहले आप याद करो 1905 के रेवोल्यूशन से. आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ 1905 क्या हुआ, सार अगेन मेंटेन द सिचुएशन एंड फॉर्म्ड एंड सस्पेंडेड ड्यूमा आफ्टर दैट. With the First World War, the internal crisis had been seen. The people withdraw their support to the king. शुरू में तो लोगों ने साथ दिया लेकिन जब डूमा डिसॉल्व हो जाती है, रास्पुतिन और ये सब आपने पढ़ा था ना, कैसे जरीना अलेक्जेंड्रा थी, कैसे राजा जो है डिसीजन जो है वो कंसल्ट करना डूमा से बंद कर देता है, है ना. तो लोग जो शुरू में सपोर्ट कर रहे थे धीरे धीरे अपना सपोर्ट जो है वो सीज कर लेते हैं, है ना. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ऑलरेडी क्राइसिस चल रही थी, ये आपने देखा ही, अंदरूनी कितनी तबाही मची थी रशिया में. तो द इम्पैक्ट ऑफ दिस वॉर वॉज सिवेयर इन रशिया. इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट और ज़्यादा खराब पड़ा, रशिया की कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो गई. ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देर आर सो मच कैजुअल्टीज, डिस्ट्रक्शंस ऑफ क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रीज विच लेड लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज इन रशिया. क्रॉप्स ख़त्म हो गई, बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए, इंडस्ट्रीज बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड हो गई, है ना, लोगों के घर मकान सब नष्ट हो रहे थे. तो इससे क्या हुआ, रिफ्यूजीज़ का भी बर्डन रशिया पे आ गया, 30 लाख का, है ना, तो मतलब 3 मिलियन हमने बताया ना. देर वेर इंडस्ट्रियल डिसइंटीग्रेशन, अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, स्कर्सिटी ऑफ फूड एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉब्लम थी, है ना. नाउ ऑल दीज वो कंडीशन वॉज रिस्पॉन्सिबल टू लीड द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन विच विल बी आर नेक्स्ट टॉपिक. अगले वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं ना फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के बारे में, तो यही सारी चीज़ें जो अभी हमने घटनाएं पढ़ी कि कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ, रिफ्यूजीज, कैजुअल्टीज, है ना, ये अंदरूनी जो कलह कलेश था, यही सारे रीज़न मिलकर के फेब्रुवरी रेवोल्यूशन को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यही एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार करते हैं जिससे रेवोल्यूशन होता है. इन दिस वे वी कैन से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इफेक्ट्स प्रोवाइड अ फर्टाइल बैकग्राउंड टू द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन. ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो रशिया की अंदरूनी स्थिति हुई उसने क्या किया, उसने फेब्रुवरी रेवोल्यूशन को एक ग्राउंड दिया, मतलब फेब्रुवरी रेवोल्यूशन होने का कॉज दिया, कारण दिया. ठीक है,
विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी. मेरा टॉपिक होगा द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड. लेकिन इसको दो पार्ट में देख लेंगे. एक में हम बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कर लेंगे और दूसरे में उसका नेक्स्ट पार्ट, है ना, यानी कि उसका आउटब्रेक यानी रिजल्ट क्या हुआ इसको पढ़ लेंगे. तो आज के लिए इतना ही. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. Please like, share and subscribe my video and also click on the bell icon to get the notification of my upcoming videos. Thank you. Jai Hind.